लाइट निकल गई मेरे आंखों के आगे, मतलब मैं लिटरली बाइक चला रहा हूँ और साथ में से मेरी लाइट निकल गई। Hey you guys, welcome to my YouTube channel. और आज वो दिन है जब स्पीति राइड शुरू हो गई है। Yes, you heard it right, स्पीति राइड शुरू हो गई। It's 9:28 in the morning और अभी मॉर्निंग में हम लोग निकले 6 बजे, थोड़ा लेट हो गए 2 घंटा निकलने में। फिर बारिश शुरू हो गई और अब बारिश शुरू हो गई है तो अभी हम लोगों ने अपने गियर्स यहाँ पे ऐसे खोल के रख दिए हैं। एंड आई एम ट्रैवलिंग विद माई फ्रेंड मुदित। सो अब ये गियर्स थोड़े सूख जाएंगे, बाइक इज लुकिंग लाइक दैट समथिंग। वो हो रहा है वो मुदित, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा है। गाइस, सो नाउ माय राइड स्टार्ट हो गई है और टुडे इज डे 1 एपिसोड 1 सीरीज 1, नेम इट व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वस, हैप्पी, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स फीलिंग, बिकॉज फर्स्ट टाइम है जब मैं इतनी लंबी बाइक राइड पर जाऊँगा। और इवन दो वेदर फोरकास्ट हमारे इतने फेवर में नहीं है, लाइक सुबह से रेन हो रही है, हमने गियर उतारे, गियर पहने, एंड वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। कि अभी हम दिल्ली से नारकंडा जाते हैं, अराउंड 480 किलोमीटर है, देन वी विल गो टू चित्तूर। और अभी हम यहाँ बीच चुके हैं ब्रेकफास्ट के। 1 hour later ऑल सेट टू गो और हमारा ब्रेक काफ़ी बड़ा हो गया। और मेरे साथ है मुदित भटनागर, ये अपने पल्सर पे, और ये और बाइक फुली लोडेड है एकदम, ये टैंक बैग, सैडल बैग। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स चंडीगढ़। आज की जो डेस्टिनेशन है एज यू ऑल नो इज नारकंडा। तो यहाँ से अभी अराउंड 350 odd kilometers है। 12 seconds later. लाइट निकल गई मेरे आंखों के आगे, मतलब मैं लिटरली बाइक चला रहा हूँ और साथ में से मेरी लाइट निकल गई, ट्रक का टायर उसमें ऊपर चला गया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या लूज रह गया इसमें, यहाँ से लूज था क्या नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा यहाँ से भी लूज था, आवाज कर रहा था, बट आई डिडंट नो कि लाइट गिर जाएगी। अब चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर रह गया इसे। दोस्तों बात ऐसी, अब लाइट तो टूट गई, लगानी भी है, ट्रिप पे जाना है, तो बड़ी मुश्किल से पता करके चंडीगढ़ आए हैं। चंडीगढ़ में मनी माजरा की मार्केट में लोगों ने बताया कि यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी, तो लाइट सी मिलती है कि लाइट नहीं मिलती है, जैसा भी होगा जो भी होगा आपको अपडेट करते हैं। तो फाइनली जो लाइट है वो मिल गया चंडीगढ़ में करण मोटर्स पे आके, और अभी लाइट हो रही है इंस्टॉल। थोड़ी व्लॉगिंग कर लेते ना भाई इसलिए, और ये भाई हमारी लाइट इंस्टॉल कर रहा है। और फॉर्चुनेटली यहाँ हमें स्टॉक की लाइट मिल गई, कुछ 3300 अराउंड की है। ये ओरिजिनल लाइट है, तो अभी उतने में लाइट इंस्टॉल होती है एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर डेस्टिनेशन। फाइनली लाइट इंस्टॉल हो गई और हम लोगों ने चंडीगढ़ कर लिया क्रॉस। और मेरे आगे आप ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ देख रहे हो, राइट। अभी हम लोग शिमला एंटर कर रहे हैं और वी डोंट नो कि आज हम लोग शिमला पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया हमारा, थोड़ा सा तो नहीं, टाइम ज़्यादा ही वेस्ट हो गया हमारा। और यहाँ लेफ्ट में लैंडस्लाइड हो रखा है, तो उसकी वजह से एक साइड का रोड पूरा बंद कर रखा है, लाइक वन वे रोड जो है वो टू वे हो गया है। सामने से गाड़ी आ रही है तो ज़्यादा स्पीड से भी नहीं चल सकते हैं, तो उस वजह से हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है। बट व्यू काफ़ी अच्छा है एंड वेदर हमारे सपोर्ट में, एटलीस्ट बारिश नहीं हुई मॉर्निंग के बाद, तो हम लोग काफ़ी स्मूथली जा रहे हैं। अभी हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि आज हम कहाँ तक जाए, बिकॉज नारकंडा तो किसी भी हालत में आज नहीं होगा, शिमला भी आज शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरी लाइट का जो बीम है, जो फोकस है, वो बहुत नीचे है। रात में राइड हम लोग सोच के आए थे कि नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते, बिकॉज हेडलाइट की जो बीम ही बिल्कुल नहीं है जिससे मैं बाइक चला सकूं। तो जहाँ तक उजाला होगा और जहाँ तक हम लोग को लगेगा कि हमें होटल्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक, हम लोग वहाँ पर आज अपना रूम ले लेंगे, बिकॉज एक बार लाइट भी दिखा दूंगा किसी मैकेनिक पे, और कल सुबह निकल जाएंगे अगर पॉसिबल हो तो जल्दी। आज तो टाइम वेस्ट हो गया, मतलब आज हमें ट्रैवल करना था 480 किलोमीटर्स एंड अराउंड हमने कुछ 300 ही किए होंगे, तो फर्स्ट डे काफ़ी चैलेंजिंग चल रहा है हमारे लिए। हमने नहीं सोचा था कि फर्स्ट डे हमारा इतना चैलेंजिंग होगा। वैसे मैंने जब लाइट टूटी थी तो मैंने बहुत लोगों को कॉन्टैक्ट किया कि कहाँ से लाइट मिल जाएगी। आई वॉन्टेड कि
एनफील्ड के सर्विस सेंटर से मिल जाए, बिकॉज संडे है तो कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में, हर जगह रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर बंद था, इवन चंडीगढ़ में भी बंद था। तो गाइस अगर संडे को आप कभी भी सर्विस सेंटर आ रहे हो रॉयल एनफील्ड के, बेसिकली हरियाणा साइड, पंजाब साइड, तो वहाँ पे आपको मोस्टली या सारे शायद बंद मिलेंगे। तो सब लोगों ने मेरे को हेल्प करी, बहुत कुछ किया, उन सबको थैंक यू। एंड बहुत लोगों ने ये बोला कि चंडीगढ़ जाओ मनी माजरा मार्केट, वहाँ आपको लाइट मिल जाएगी, तो कोई ऑप्शन था नहीं, वहाँ हमें जाना पड़ा। तो वहाँ गए और वहाँ हमें फाइनली इवेंचुअली लाइट मिल गई। तो लाइट सही है और काफ़ी बिल विल के साथ दिया उसने, एकदम एनफील्ड की ओरिजिनल लाइट है और पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही जगह लाइट थी और कहीं लाइट नहीं थी। बारिश हो जाएगी तो दिक्कत सारी होने को होती है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा फायदा भी तो होना चाहिए ना हमें, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है। रखे हैं लाइक टू वे रोड हो रखे हैं, लाइक यूजली वन वे होते हैं बट अभी टू वे रोड हो रखे हैं। अब यहाँ पे ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक का आई थिंक जो मेन रीज़न है वो लैंडस्लाइड है, बिकॉज लैंडस्लाइड जो हुई थी उससे रोड्स अभी तक प्रॉपर क्लियर नहीं हुए हैं, उस वजह से कई जगह से डाइवर्ट कर रखे हैं, रोड्स मर्ज कर रखे हैं। और अभी इवनिंग के 6 हो गए, एंड टू बी ऑनेस्टली वी आर वी प्लान कि एटलीस्ट शाम के 6 बजे तक हम नारकंडा पहुँच जाए। अब यहाँ पे रोडों की हालत जो है अच्छी खासी खस्ता है, तो गाइस अब हम अपने रूम में आ गए हैं और आज का जो दिन है वो हमारा मोस्टली वेस्ट ही हुआ है, बिकॉज हमने लाइट लगाई तो लाइट में 4-5 घंटे लग गए। बेसिकली आज हमें नारकंडा जाना था बट नारकंडा तो हम जा नहीं पाए, तो अभी हम रुके हैं शिमला से पहले आई थिंक सोलन में पहुँचे और हमने अपना अनपैकिंग करी है, पैकिंग करी है। ये हमारा रूम है, पूरा फैला हुआ है एकदम, सामान हमने पूरा पैक कर लिया। तो हम कल मॉर्निंग में उठेंगे सुबह 6 बजे के अराउंड, और 6 बजे उठ के फिर हम सारा सामान ये लोड करेंगे और निकल जाएंगे टूवर्ड्स चितकुल। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक लाइक करना तो बनता है बॉस, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और तो शेयर भी कर देना, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन।